हेलो फ्रेंड्स, आज हम वेल्डिंग चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, जो मैकेनिकल से रिलेटेड सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51, इलेक्ट्रोड गेट्स कंज्यूम्ड इन द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस। निम्नलिखित वेल्डिंग प्रक्रिया में संपकरण इलेक्ट्रोड का किस में उपभोग होता है? आंसर, आर्क वेल्डिंग में। आर्क वेल्डन में इलेक्ट्रोड का उपभोग होता है। आर्क वेल्डन में इलेक्ट्रोड और कार्य के बीच आर्क संपर्क प्रतिरोध द्वारा बनाई जाती है। वेल्डिंग आर्क बिजली के इलेक्ट्रोड के मध्य वायु में उत्पन्न किया गया इलेक्ट्रॉनों का विसर्जन है, जिसका स्वरूप वह गुण ज्वाला के समान होता है। आर्क वेल्डिंग में कम समय खर्च होता है तथा आर्क द्वारा बनी ज्वाला का तापमान अन्य प्रकार से बनी ज्वालाओं के तापमान से अधिक होता है। नोट, मिग मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग तथा मेक मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का उपभोग होता है। क्वेश्चन नंबर 52, द स्ट्रेंथ ऑफ आ प्रॉपरली वेल्डेड ज्वाइंट एज कंपेयर टू बेस मेटल वुड बी। बेस धातु की तुलना में उचित प्रकार के वेल्ड जोड़ की शक्ति खालिस्तान होती है। आंसर, ऑप्शन बी, मोर, अधिक। बेस धातु की तुलना में उचित प्रकार से वेल्ड जोड़ की शक्ति अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 53, फॉर वेल्डिंग प्रोसेस विच इज नॉट करेक्ट। वेल्डिंग प्रोसेस के लिए कौन सही नहीं है? आंसर, ऑप्शन सी, इन प्रेशर वेल्डिंग द एंड्स ऑफ मेटल्स पीसेस आर ज्वाइंड इन इलास्टिक स्टेट। दाब वेल्डिंग में प्रत्यास्थ अवस्था के अंत में धातु टुकड़ा जुड़ता है। दाब वेल्डिंग में प्रत्यास्थ अवस्था के अंत में धातु का टुकड़ा जुड़ता है, यह कथन गलत है। दाब वेल्डिंग में प्लास्टिक अवस्था के अंत में धातु का टुकड़ा जुड़ता है। वेल्डिंग प्रोसेस में अच्छा जोड़ प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि जिस कार्यखंड को जोड़ना है उसका तापमान फ्यूजन बिंदु तक या अधिक होना चाहिए, तभी ठंडा होने के बाद एक मजबूत जोड़ बनता है। यदि फ्यूजन बिंदु तक तापमान को नहीं बढ़ाया जाए तो जोड़ असंतुष्ट प्राप्त होता है तथा कई प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइनिंग प्रोसेस आर बेस्ट सुटेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पाइप्स टू कैरी गैस प्रोडक्ट्स। पाइपों जो गैसी उत्पादों को ले आते हैं उनके उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जॉइनिंग प्रक्रम सबसे अच्छा होता है? ऑप्शन वन, रिवेटिंग, ऑप्शन टू, वेल्डिंग, ऑप्शन थ्री, बोल्ट वन नट। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। नीचे दिए गए कोडों को प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। आंसर, ऑप्शन सी, गैसी उत्पादों को ले जाने वाले पाइपों की जॉइनिंग के लिए वेल्डिंग सबसे अच्छी विधि है, क्योंकि यह लीक प्रूफ तथा स्थायी जोड़ बनाता है। रिवेट तथा बोल्ट और नट जोड़ की तुलना में वेल्डिंग जोड़ की सामर्थ्य भी ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 55, वेल्डिंग यूनिट्स ऑपरेट एट वाट पावर फैक्टर। वेल्डिंग इकाइयाँ किस शक्ति घटक पावर फैक्टर पर कार्य करती? आंसर, ऑप्शन ए, 0.3। वेल्डिंग इकाइयाँ 0.3 पावर फैक्टर पर कार्य करती है। पावर फैक्टर इज इक्वल टू कोसफाई। कोसफाई इज इक्वल टू वास्तविक शक्ति एक्चुअल पावर अपॉन आभास शक्ति अपेरेंट पावर। क्वेश्चन नंबर 56, ओपन सर्किट वोल्टेज फॉर आर्क वेल्डिंग इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। आर्क वेल्डिंग के लिए अनावृत परिपथ वोल्टेज खालिस्तान पैमाने की होती है। आंसर, ऑप्शन बी, 40 to 95 volts, 40 से 95 volts। जब वेल्डिंग नहीं किया जाता है या जब धारा का प्रवाह नहीं होता है तो उसे अनावृत परिपथ वोल्टेज ओपन सर्किट वोल्टेज कहते हैं। आर्क वेल्डन में साधारणतः खुला परिपथ वोल्टेज ओपन सर्किट वोल्टेज 40 से 95 volts तथा बंद परिपथ वोल्टेज क्लोज सर्किट वोल्टेज 18 से 40 volts रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, इन आर्क वेल्डिंग द आर्क लेंथ शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। आर्क वेल्डन में आर्क की लंबाई लगभग कितनी होनी चाहिए? आंसर, ऑप्शन डी, डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड रॉड, इलेक्ट्रोड रॉड के व्यास के बराबर। आर्क वेल्डिंग में आर्क की लंबाई इलेक्ट्रोड के व्यास के बराबर होती है। उचित आर्क
जब आर्क की लंबाई इलेक्ट्रोड के व्यास के बराबर हो तो इसे उचित आर्क कहते हैं। इसके उपयोग से वोल्टेज और करंट की मात्रा ठीक रहती है। क्वेश्चन नंबर 58। इन आर्क वेल्डिंग डीसी रिवर्स पोलैरिटी इज यूज टू बेयर ग्रेटर एडवांटेज इन। आर्क वेल्डिंग में डीसी रिवर्स ध्रुवीकरण का निम्न में से किस में अधिक फायदा होता है? आंसर ऑप्शन ए ओवरहेड वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में डीसी रिवर्स पोलैरिटी का अधिकतम प्रयोग ओवरहेड वेल्डिंग में किया जाता है। ओवरहेड वेल्डिंग का सीधा अर्थ है सिर के ऊपर वेल्डिंग करना। ओवरहेड वेल्डिंग विधि अधिक कठिन है तथा खतरों से भरी होती है। ओवरहेड वेल्डिंग में पिघली धातु के नीचे टपकने का खतरा बना रहता है। कार्यखंड का ताप बहुत सीमित रखने के कारण वेल्डिंग बीट का पेनिट्रेशन बहुत कम रहता है। क्वेश्चन नंबर 59। इन आर्क वेल्डिंग ऑपरेशन द करंट वैल्यू इज डिसाइड बाय। आर्क वेल्डिंग प्रचालन में विद्युत धारा के मान का निर्णय खालिस्तान द्वारा होता है। आंसर ऑप्शन डी साइज ऑफ द इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड का आकार। आर्क वेल्डिंग प्रचालन में विद्युत धारा के मान का निर्णय इलेक्ट्रोड के आकार द्वारा होता है। आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड और कार्य के बीच आर्क संपर्क प्रतिरोध द्वारा बनाई जाती है। जब मेटल के फ्यूजन के लिए आवश्यक ऊष्मा को विद्युत आर्क के द्वारा उत्पन्न किया जाता है तब उसे आर्क वेल्डिंग कहते हैं। आर्क वेल्डिंग में आर्क का तापक्रम 5000 डिग्री सेल्सियस होता है। आर्क तापन के लिए इलेक्ट्रोड कॉपर के बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। इन अ लीनियर आर्क वेल्डिंग प्रोसेस द हीट इनपुट पर यूनिट लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। एक रैखिक चाप वेल्डिंग प्रक्रिया में प्रति इकाई लंबाई ऊष्मा इनपुट किसके व्युत्क्रमानुपाति होता है? आंसर ऑप्शन सी वेल्डिंग स्पीड वेल्डिंग गति के। एक रैखिक आर्क वेल्डन प्रक्रिया में प्रति इकाई लंबाई ऊष्मा इनपुट वेल्डन गति के व्युत्क्रमानुपाति होता है। आर्क वेल्डिंग जब धातु के फ्यूजन के लिए आवश्यक ऊष्मा को विद्युत आर्क बनाकर जुटाया जाता है तो उसे आर्क वेल्डन कहते हैं। आर्क वेल्डन में इलेक्ट्रोड और कार्य के बीच आर्क संपर्क प्रतिरोध द्वारा पैदा की जाती है। इसमें इलेक्ट्रोड कॉपर के बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। इन स्ट्रेट पोलैरिटी वेल्डिंग सीधी ध्रुवता वेल्डिंग में। आंसर ऑप्शन ए इलेक्ट्रोड होल्डर इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव एंड वर्क टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रोड होल्डर को ऋणात्मक तथा कार्य को धनात्मक से जोड़ा जाता है। सीधी ध्रुवता वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड होल्डर को ऋणात्मक तथा कार्य को धनात्मक रखा जाता है तथा विपरीत ध्रुवता वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड होल्डर को धनात्मक तथा कार्य को ऋणात्मक रखा जाता है। ध्रुवता का चुनाव डीसी सेटों में किया जाता है जबकि एसी वेल्डिंग सेटों में ध्रुवता लगातार बदलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 62। इन वेल्डिंग कॉपर एलॉयस विथ टीक टंगस्टन इनर्टर गैस आर्क वेल्डिंग। तांबे की मिश्र धातु को टंगस्टन इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग करने में। आंसर ऑप्शन ए डायरेक्ट करंट विथ स्ट्रेट पोलैरिटी इज यूज्ड। सीधी ध्रुवता वाली दिष्ट धारा का उपयोग किया जाता है। तांबे की मिश्र धातु को टीक टंगस्टन इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग करने में सीधी ध्रुवता वाली दिष्ट धारा का उपयोग किया जाता है। इसमें एक नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड टंगस्टन मेटल का होता है। इसमें इनर्ट गैस के रूप में आर्गन तथा हीलियम गैसों का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63। इन डीसी वेल्डिंग द स्ट्रेट पोलैरिटी इलेक्ट्रोड नेगेटिव रिजल्ट्स इन। डीसी वेल्डिंग में स्ट्रेट पोलैरिटी इलेक्ट्रोड नेगेटिव का परिणाम क्या होता है? आंसर ऑप्शन बी लोअर डिपोजिशन रेट कम निक्षेप दर। डीसी वेल्डिंग में स्ट्रेट पोलैरिटी इलेक्ट्रोड नेगेटिव का परिणाम कम निक्षेप दर लोअर डिपोजिशन रेट होता है। डीसी वेल्डिंग में पोलैरिटी को बदलकर
आर्क द्वारा उत्पन्न ऊष्मा को इलेक्ट्रोड व बेस धातु के मध्य आवश्यकता अनुसार वितरित किया जा सकता है। इसमें समय के साथ क्वालिटी नहीं बदलती है, अतः आर्क स्थिर रहती है, जिसके कारण अच्छी वेल्डिंग बीड बनती है। क्वेश्चन नंबर 64। आर्क बिलो इज वेल्डिंग डिफेक्ट विच इज इनकाउंटर्ड। आर्क बिलो एक वेल्डिंग दोष है जो सामान्यता होता है। आंसर ऑप्शन बी, इन आर्क वेल्डिंग यूजिंग डीसी करंट। डीसी करंट का उपयोग कर आर्क वेल्डिंग में। आर्क बिलो एक वेल्डिंग दोष है जो डीसी वेल्डिंग का उपयोग कर आर्क वेल्डिंग में सामना होता है। उच्च धारा पर वेल्डिंग करते समय यह अनुभव में आया है कि आर्क प्राय स्थिर नहीं रहती है। इसका कारण है कि आर्क प्रवाह में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण आर्क अपनी पथ से विचलित हो जाती है। इसका प्रभाव डीसी जनरेटर से वेल्डिंग करते समय संकुचित स्थानों में किनारों और सिरों पर अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 65। आर्क स्टेबिलिटी इज बेटर विथ। आर्क स्थायित्व ज़्यादा बेहतर प्राप्त होती है। आंसर ऑप्शन बी, डीसी वेल्डिंग। डीसी वेल्डिंग से आर्क स्थायित्व ज़्यादा बेहतर डीसी वेल्डिंग के साथ होता है। डीसी वेल्डिंग की पोलरिटी नहीं बदलती है, अतः इसकी पोलरिटी समय के साथ समान होने के कारण प्राप्त आर्क ज़्यादा स्थिर होता है, जबकि एसी वेल्डिंग की पोलरिटी लगातार बदलने के कारण आर्क स्थिर नहीं रहती है। क्वेश्चन नंबर 66। मैग्नेटिक आर्क बिलो इज चुंबकीय आर्क बिलो। आंसर ऑप्शन डी, फिनोमिनन ऑफ अकरनेस ऑफ स्पेटर बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स क्रिएटेड इन डीसी आर्क वेल्डिंग। डीसी आर्क वेल्डिंग में चुंबकीय प्रभाव के कारण स्पेटर के होने की परिघटना है। चुंबकीय आर्क बिलो डीसी आर्क वेल्डिंग में चुंबकीय क्षेत्रों के कारण स्पेटर के होने की परिघटना है। क्वेश्चन नंबर 67। वीविंग इन आर्क वेल्डिंग रेफर्स टू। आर्क वेल्डिंग में वीविंग संदर्भित करता है। आंसर ऑप्शन ए, साइड टू साइड मोशन ऑफ इलेक्ट्रोड एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ द वेल्डिंग। वेल्डिंग दिशा के समकोण पर इलेक्ट्रोड की तरफ गति। आर्क वेल्डिंग में वीविंग वेल्डिंग दिशा के समकोण पर इलेक्ट्रोड की तरफ गति को संदर्भित करता है। वीविंग एक अच्छा वेल्डर दोष रहित वेल्डिंग करता है। आर्क को इसकी साइडों में वीविंग करके निम्न दोषों का निवारण किया सकता है। उपयुक्त पेंट्रेशन बनाने में सहायता करता है। साइडों के साथ अच्छा फ्यूजन बनाने में सहायक है। वीविंग से अच्छी आकार शेप साइज और प्रोफाइल की बीड मिलती है। अंडरकट ओवरलेप और स्लेक इंक्लूजन का दोष नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 68। विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस डज नॉट हैव हाई डिपोजिशन रेट। निम्नलिखित में से कौन सा वेल्डिंग प्रोसेस की उच्च जमाव दर नहीं होती है। आंसर ऑप्शन ए, शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, फ्लक्स कोर आर्क वेल्डिंग, गैस शील्डेड आर्क वेल्डिंग। इलेक्ट्रोसिलिक वेल्डिंग की उच्च जमाव दर उच्च होती है। परक्षित धातु आर्क वेल्डिंग, शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, इसे स्टिक इलेक्ट्रोड वेल्डन, कोटेड इलेक्ट्रोड वेल्डन अथवा मैनुअल आर्क वेल्डन के नाम से भी जानते हैं। यह प्रक्रम सबसे आसान, सस्ता तथा साधारण उपयोग के लिए आवश्यक मजबूती प्रदान करता है। इसमें धात्विक कोर वाला फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड प्रयोग किया जाता है एवं विद्युत शक्ति परिणामित्र या जनित्र के द्वारा प्राप्त की जाती है। इस प्रक्रम में एसी व डीसी दोनों प्रकार के विद्युत धाराओं का प्रयोग करते हैं। डीसी धारा को स्थिर आर्क के लिए प्रयोग करते हैं।
इसका चयन इलेक्ट्रोड के प्रकार, वेल्ड की जाने वाली धातु तथा ऊष्मा क्षेत्र की गहराई आदि कारकों पर निर्भर करता है। विपरीत ध्रुवता में इलेक्ट्रोड धनात्मक तथा कार्यखंड ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ते हैं। शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया सामान्यतः जहाज निर्माण, पाइपलाइन निर्माण और उनके रखरखाव के लिए प्रयोग किया जाता है। यह प्रक्रिया में पोर्टेबल तथा आसानी से चयन किया सकता है। शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग SMW को चित्र में दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 69। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। निम्नलिखित में से कौन सा शील्डेड आर्क वेल्डिंग के लिए सत्य है? आंसर ऑप्शन सी, कैन नॉट यूज्ड फॉर मेटल शीट्स अंडर 1.5 mm थिकनेस, 1.5 mm से कम मोटी चादरों के लिए प्रयोग नहीं किया सकती है। शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग के निम्न लाभ होते हैं। कम उपकरण लागत, विभिन्न धातुओं की वेल्ड किसी भी स्थिति में किया सकती है। प्रक्रिया वायु से कम प्रभावित होती है, सभी दशाओं में संपन्न किया सकती है। शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग के डिसएडवांटेज, 1.5 mm से कम मोटी धातु चादरों के लिए अनुपयुक्त है। पूर्ण रूप से इलेक्ट्रोड का प्रयोग ना होना। क्वेश्चन नंबर 70। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट यूज कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। इनमें से कौन सा वेल्डन उपभोज इलेक्ट्रोड का उपयोग नहीं करती है? SAW, DC आर्क वेल्डिंग, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। आंसर ऑप्शन डी, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग उपभोज इलेक्ट्रोड का उपयोग नहीं करती है। वेल्डन में प्रयुक्त इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, उपभोज कंज्यूमेबल। गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में उपभोज इलेक्ट्रोड का प्रयोग होता है। ऐसे इलेक्ट्रोड जो वेल्डन प्रक्रिया के दौरान गल कर समाप्त हो जाए उपभोज इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। अनुपभोज इलेक्ट्रोड, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग में अनुपभोज नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का प्रयोग होता है। ऐसे इलेक्ट्रोड जो वेल्डन के दौरान ना समाप्त हो अनुपभोज इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। इन इनर्ट गैस वेल्डिंग जनरली यूज्ड गैस इज। अक्री गैस वेल्डिंग प्रक्रम में आमतौर पर किस गैस का प्रयोग किया जाता है? आंसर ऑप्शन बी, आर्गन। शील्डिंग गैस, वेल्ड मेटल को वायुमंडलीय प्रभाव से बचाने के लिए शील्डिंग गैसों की आवश्यकता रहती है। शील्डिंग गैसों के रूप में इनर्ट गैस जैसे आर्गन, हीलियम आदि का प्रयोग किया जाता है। इनर्ट गैसों के सिलेंडरों को नीले रंग से पेंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 72। इलेक्ट्रोड यूज इन टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग इज। टीग में प्रयुक्त इलेक्ट्रोड है। आंसर ऑप्शन डी, टंगस्टन। टीग वेल्डिंग में नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड टंगस्टन मेटल का होता है जो एक विशेष इलेक्ट्रोड होल्डर में लगा होता है। इसी इलेक्ट्रोड होल्डर में एक इनर्ट गैस आती है जो वेल्ड मेटल को सुरक्षा आवरण प्रदान करती है, जबकि मीग मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग में कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73। फॉलोइंग गैसेस आर यूज्ड इन टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। निम्नलिखित गैसों का प्रयोग टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में किया जाता है? आंसर ऑप्शन सी, आर्गन एंड हीलियम, आर्गन तथा हीलियम गैस का। टिग वेल्डिंग, इस वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड नॉन कंज्यूमेबल होता है जो टंगस्टन का बना होता है या इनर्ट गैस के रूप में सामान्यतः आर्गन तथा हीलियम का प्रयोग करता है।
टीक वेल्डिंग में डीसी तथा एसी दोनों प्रकार की शक्ति प्रयोग की जाती है। जब ऐसी शक्ति प्रयुक्त हो तो हमेशा इलेक्ट्रोड को कैथोड बनाते 600 एम्पीयर तक धारा करंट प्रयुक्त होती है। मिग वेल्डिंग में हमेशा डीसी शक्ति का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 74, टिग वेल्डिंग स्टेंट फोर टिग वेल्डिंग को कहा जाता है। आंसर ऑप्शन बी टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। टिग वेल्डिंग को टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग कहते हैं। टीग वेल्डिंग में एक नॉन कंज्यूमर इलेक्ट्रोड टंगस्टन धातु का बना होता है जो एक विशेष होल्डर में लगा होता है। इलेक्ट्रोड होल्डर में आने वाली इनर्ट गैस इलेक्ट्रोड तथा वेल्ड धातु को सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करती है, जिसमें वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन वेल्ड धातु पर कोई दुष्प्रभाव नहीं छोड़ पाती। टंगस्टन आर्क वेल्डिंग में डीसी तथा एसी दोनों पावर प्रयोग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 75, इलेक्ट्रोड यूज इन टीआईजी में प्रयोग किया जाने वाला इलेक्ट्रोड है। आंसर ऑप्शन डी टंगस्टन। टीआईजी में प्रयोग किया जाने वाला इलेक्ट्रोड टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग टीग वेल्डिंग द्वारा प्रारंभ में एल्यूमिनियम एवं मैग्नीशियम के अलॉय ही वेल्ड किए गए, परंतु बाद में सभी धातु की वेल्डिंग इसके द्वारा की जाने लगी। इसमें एक नॉन कंज्यूमर इलेक्ट्रोड होल्डर से एक इनर्ट गैस आती है जो इलेक्ट्रोड तथा वेल्ड मेटल को सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करती है। इसमें वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन इलेक्ट्रोड तथा वेल्ड मेटल पर अपना कोई दुष्प्रभाव नहीं छोड़ पाती है। इलेक्ट्रोड होल्डर को ठंडा रखने के लिए पानी प्रभावित करने का प्रबंध रहता है। क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस यूज नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स। निम्न में से कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया अग्रणी इलेक्ट्रोड्स का प्रयोग करती है। आंसर ऑप्शन ए टीग वेल्डिंग। अग्रणी नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग तथा कार्बन आर्क वेल्डिंग आदि में प्रयोग होता है। ग्रैनी कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग में मेटल आर्क वेल्डिंग तथा सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 77, द गैसेस यूज्ड इन टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग आर। टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में गैस प्रयोग की जाती है। आंसर ऑप्शन बी आर्गन एंड हीलियम। आर्गन और हीलियम प्रयोग की जाती है। वातावरण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए वेल्डिंग में आर्गन और हीलियम का प्रयोग होता है। इस प्रक्रिया में वेल्डिंग बीट को वायुमंडल प्रभाव से बचाने के लिए शील्डिंग गैसों का प्रयोग किया जाता है। यह गैस वेल्डिंग गन से निकलकर वेल्डिंग क्षेत्र के ऊपर फैल जाती है तथा उस क्षेत्र से वायु को बाहर धकेल देती है। शील्डिंग गैस आर्क द्वारा उत्पन्न ऊष्मा को भी प्रभावित करती है, इसलिए अलग प्रकार की वेल्डिंग के लिए विशेष शील्डिंग गैस प्रयोग की जाती है। टीग वेल्डिंग को चित्र में दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 78, इन टीग आर्क वेल्डिंग द वेल्डिंग जोन इज शील्डेड बाय एन एटमोस्फेयर ऑफ। टीग आर्क वेल्डिंग में वेल्डिंग जोन खालिस्तान के वातावरण द्वारा परिरक्षित रहता है। आंसर ऑप्शन सी आइदर ए और बी, या तो ए या बी, हीलियम गैस के द्वारा या आर्गन गैस के द्वारा। टीग आर्क वेल्डिंग में वेल्डिंग जोन हीलियम गैस या आर्गन गैस के वातावरण द्वारा परिरक्षित रहता है। टीग आर्क वेल्डन में एसी और डीसी दोनों प्रकार के विद्युत का प्रयोग किया जाता है। टीग वेल्डिंग कार्बन इलेक्ट्रोड आर्क वेल्डिंग का ही विकसित रूप है, जिसमें कार्बन इलेक्ट्रोड के स्थान पर एक आलेपित नॉन कोटेड तथा आ उपभोज्य टंगस्टन नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग यूज नॉन कंज्यूमर इलेक्ट्रोड्स। निम्नलिखित में से कौन सा वेल्डन आ उपभोज्य इलेक्ट्रोड्स का उपयोग करती है। आंसर ऑप्शन सी गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग।
गेस टंगस्टन आर्क बिल्डिंग वेल्डन आ उपभोज इलेक्ट्रोड का उपयोग करती है। गेस टंगस्टन आर्क वेल्डन इसे टीक टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग के नाम से भी जानते। इस वेल्डन प्रक्रिया में आ उपभोज नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन धातु के बने इलेक्ट्रोड का प्रयोग होता तथा परिरक्षित शील्डिंग गैस के रूप में आर्गन तथा हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। ये गैसें वेल्डन बीट को वातावरण के दुष्प्रभाव से बचाती है। मिग वेल्डिंग इसमें उपभोज कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। मेटा इनर्ट गैस वेल्डिंग में भी इनर्ट गैस का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस डज द इलेक्ट्रोड नॉट गेट कंज्यूम्ड। निम्न में से किस वेल्डिंग प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड खपत नहीं होता है। आंसर ऑप्शन सी टिग वेल्डिंग में। टिग वेल्डिंग प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड खपत नहीं होता है। इसमें बिना खपत वाली इलेक्ट्रोड नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। यह टंगस्टन का होता है। टिग वेल्डिंग में टिग वेल्डिंग को कम मोटाई का सीट जोड़ने प्रयोग किया जाता है। टिग वेल्डिंग में फिलर धातु का प्रयोग नहीं किया जाता है। टिग वेल्डिंग में बेयर नंगा इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि हीलियम आर्गन आदि गैस का प्रयोग किया जाता है जो ऑक्सीकरण होने से बचाता है, जबकि मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग में खपत होने वाली इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 विच ऑफ द फॉलोइंग आर्क वेल्डिंग प्रोसेस डज नॉट यूज कंज्यूमर इलेक्ट्रोड। निम्नलिखित में से आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में कंज्यूमर इलेक्ट्रोड का प्रयोग नहीं होता है। आंसर ऑप्शन बी गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग में। गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में कंज्यूमर इलेक्ट्रोड का प्रयोग नहीं होता है। टंगस्टन आर्क वेल्डिंग में नॉन कंज्यूमर इलेक्ट्रोड का प्रयोग होता है जो एक विशेष इलेक्ट्रोड होल्डर में लगा होता है। इसी इलेक्ट्रोड होल्डर से एक इनर्ट गैस आती है जो इलेक्ट्रोड तथा वेल्ड मेटल को सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करती है। इससे वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन इलेक्ट्रोड तथा वेल्ड मेटल पर अपना कोई दुष्प्रभाव नहीं छोड़ पाती है। क्वेश्चन नंबर 82 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मिग वेल्डिंग प्रोसेस यूजेस कंज्यूमर इलेक्ट्रोड। ऑप्शन 2 नॉन कंज्यूमर इलेक्ट्रोड। ऑप्शन 3 डीसी पावर सप्लाई। ऑप्शन 4 एसी पावर सप्लाई। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। निम्नांकित कथनों पर विचार करें मिग वेल्डन प्रक्रिया में प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन 1 उपभोज इलेक्ट्रोड। ऑप्शन 2 गैर उपभोज इलेक्ट्रोड। ऑप्शन 3 डीसी शक्ति आपूर्ति। ऑप्शन 4 एसी शक्ति आपूर्ति। निम्नांकित विकल्पों में से कौन सही है। आंसर ऑप्शन डी मिग वेल्डन प्रक्रम में उपभोज इलेक्ट्रोड कंज्यूमर इलेक्ट्रोड तथा डीसी शक्ति आपूर्ति डीसी पावर सप्लाई का प्रयोग किया जाता है। मिग वेल्डिंग में कार्यखंड और लगातार चलने वाली मेटल इलेक्ट्रोड के मध्य आर्क बनाई जाती है। इस आर्क के द्वारा उत्पन्न ऊष्मा कार्यखंड की वेल्डिंग वाली सतह तथा इलेक्ट्रोड दोनों को पिघलाकर एक समांग मिश्रण बनाती है। इलेक्ट्रोड पर कोई फ्लक्स नहीं होता है। वेल्ड मेटल को वायुमंडलीय ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन आदि गैसों से बचाने के लिए इनर्ट गैस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 83 आर गैसेस यूज्ड इन इनर्ट गैस वेल्डिंग प्रोसेस। इनर्ट गैस वेल्डिंग प्रक्रिया में आमतौर पर कौन सी गैस इस्तेमाल होती है। आंसर ऑप्शन सी हीलियम और आर्गन। हीलियम या आर्गन गैस। मिग वेल्डिंग में इनर्ट गैस के रूप में आर्गन या हीलियम या दोनों का मिश्रण प्रयोग किया जाता है, जबकि एक्टिव गैस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस प्रयोग की जाती है। जब इनर्ट गैस प्रयोग की जाती है तो उसे मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग या मिग वेल्डिंग से जाना जाता है तथा जब CO2 गैस प्रयोग की जाती है तो उसे मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग या मेक वेल्डिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 इन MIG वेल्डिंग द मेटल इज ट्रांसफर्ड इनटू द फॉर्म ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। मेक वेल्डिंग में धातु को निम्न में से एक के रूप में स्थानांतरित किया जाता है। आंसर ऑप्शन ए अफाइन स्प्रे ऑफ मेटल धातु का एक सूक्ष्म फुहार। मिग वेल्डिंग में धातु को महीन फुहार के रूप में स्थानांतरित किया जाता है।
मिग वेल्डिंग में कार्यखंड और लगातार चलने वाली धातु इलेक्ट्रोड के मध्य आर्क बनाई जाती है। इस आर्क के द्वारा उत्पन्न ऊष्मा कार्यखंड की वेल्डिंग वाली सतह तथा इलेक्ट्रोड दोनों को पिघलाकर एक समांग मिश्रण बनाती है। इलेक्ट्रोड पर कोई फ्लक्स नहीं होता है। वेल्ड धातु स्थानांतरण, वेल्ड मेटल ट्रांसफर। वेल्ड धातु स्थानांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें वेल्डिंग इलेक्ट्रोड से धातु द्रवी बूंदों की अवस्था में अलग होकर आर्क को पार करके कारखंड में बने वेल्ड पूल में गिर जाती है। इस धातु को पूरक धातु या फिलर मेटल कहते हैं। कारखंड के वेल्ड पूल में यह फिलर मेटल मिलकर वेल्ड मेटल बनाती है। यही वेल्ड मेटल ठंडी होकर वेल्ड जोड़ बनाती है। वेल्ड धातु स्थानांतरण का वेल्डिंग की दक्षता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इसके निम्न घटक है: स्पेटर की मात्रा, आर्क की स्थिरता, आर्क के अभिलक्षण, वेल्डिंग की स्थितियां, वेल्डर की योग्यता। वेल्ड धातु स्थानांतरण के मुख्य रूप से दो प्रारूप होते हैं: डीप ट्रांसफर या शॉर्ट सर्किट ट्रांसफर, फ्री फ्लाइट ट्रांसफर। क्वेश्चन नंबर 85। इन मिग वेल्डिंग अ हाई करंट द मेटल इज ट्रांसफर्ड इनटू द फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। उच्च करंट मिग वेल्डिंग में धातु निम्न में से किस रूप में स्थानांतरित की जाती है? आंसर ऑप्शन ए, अ फाइन स्प्रे ऑफ मेटल, धातु का एक सूक्ष्म फुहार। मिग वेल्डिंग में कार्यखंड और लगातार चलने वाली मेटल इलेक्ट्रोड के मध्य आर्क बनाई जाती है। इस आर्क द्वारा उत्पन्न ऊष्मा कार्यखंड की वेल्डिंग वाली सतह तथा इलेक्ट्रोड दोनों को पिघलाकर एक समांग मिश्रण बनाती है तथा आर्क उचित धातु स्प्रे के रूप में वेल्ड पूल में गिरते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स इज यूज इन, खपत योग्य इलेक्ट्रोड का प्रयोग किस में किया जाता है? आंसर ऑप्शन एक, मिग आर्क वेल्डिंग में। कार्बन आर्क वेल्डिंग तथा TIG आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड की खपत नहीं होती, जबकि मिग आर्क वेल्डिंग में खपत योग्य इलेक्ट्रोड प्रयोग किया जाता है। नोट, विभाजित आर्क वेल्डिंग में भी उपभोज इलेक्ट्रोड प्रयुक्त होता है, परंतु मुख्य रूप से मिग को ही माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 87। विच वेल्डिंग प्रोसेस यूज आ कंज्यूमर इलेक्ट्रोड, वेल्डन का कौन सा प्रक्रम उपभोज इलेक्ट्रोड का प्रयोग करता है? आंसर ऑप्शन डी, मिग वेल्डिंग में। MIG मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग में उपभोज इलेक्ट्रोड का उपयोग होता है। मिग में इनर्ट गैस के रूप में आर्गन या हीलियम या दोनों का मिश्रण प्रयोग करते हैं। मिग वेल्डिंग सेमी ऑटोमेटिक वेल्डन विधि है। क्वेश्चन नंबर 88। द कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड इज यूज्ड इन, उपभोज इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है? आंसर ऑप्शन डी, मिग वेल्डिंग में। उपभोज इलेक्ट्रोड का उपयोग मिग वेल्डिंग में किया जाता है। मिग वेल्डिंग का पूरा नाम मेटल इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग है। मिग वेल्डिंग में उपभोज इलेक्ट्रोड के साथ इनर्ट गैस का प्रयोग परिरक्षण शील्डिंग पदार्थ के लिए होता है, परंतु कभी कभी इनर्ट गैस के स्थान पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 का प्रयोग भी होता है, तब यह वेल्डिंग मेटल आर्क गैस वेल्डिंग कहलाती है। इस प्रकार के वेल्डिंग में उपभोज पदार्थ सतत तार के रूप में एक रील पर लिपटा होता है। मिग वेल्डिंग को चित्र में दर्शाया गया है। मेटल आर्क गैस वेल्डिंग मेक को चित्र में दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 89। इन मिग वेल्डिंग हीलियम और आर्गन इज यूज्ड इन ऑर्डर टू, MIG वेल्डिंग में खालिस्तान के लिए हीलियम या आर्गन का उपयोग करते हैं। आंसर ऑप्शन सी, एक्ट एज शील्डिंग मीडियम, परिरक्षक शील्डिंग माध्यम के रूप में कार्य करने के लिए।
MIG वेल्डिंग में परीक्षक शील्डिंग माध्यम के रूप में कार्य करने के लिए हीलियम या आर्गन का उपयोग करते। MIG वेल्डिंग में कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। यदि वेल्डिंग करते समय आखिरी गैस के रूप में आर्गन या हीलियम का प्रयोग किया जाता है तो उसे मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग कहते हैं। यदि CO2 गैस प्रयोग किया जाता है तो मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 90। इन मिग वेल्डिंग द मेटल इज ट्रांसफर्ड इनटू द फॉर्म ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। MIG वेल्डिंग में धातु निम्न में से किस रूप में स्थानांतरित किया जाता है। आंसर ऑप्शन ए अफाइन स्प्रे ऑफ मेटल, धातु का एक सूक्ष्म फुहार। MIG वेल्डिंग में धातु फाइन स्प्रे के रूप में वेल्ड होने वाली सतह पर गिरता है। मिग वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड कंज्यूमेबल प्रकार का होता है जो बिना फ्लक्स कोटेड होता है। मिग वेल्डिंग में मात्र DC पावर ही प्रयोग की जाती है, 350 एम्पियर तक करंट प्रयोग किया जाता है। शील्डिंग के लिए इनर्ट गैसों हीलियम या आर्गन के अलावा CO2 का भी प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 91। विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस यूज्ड CO2 गैस। निम्नलिखित में से किस वेल्डिंग प्रक्रम में CO2 गैस प्रयुक्त होती है। आंसर ऑप्शन डी MAG वेल्डिंग। मेग वेल्डिंग में, मेग वेल्डिंग का पूरा नाम मेटल एक्टिव गैस आर्क वेल्डिंग है। मेग वेल्डिंग में उपभोज इलेक्ट्रोड के साथ इनर्ट गैस के स्थान पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 का प्रयोग भी होता है, तब यह वेल्डिंग मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग मेग कहलाती है। इस प्रकार के वेल्डिंग में उपभोज पदार्थ सतत तार के रूप में एक रील पर लिपटा होता है। मेग वेल्डिंग ऑटोमोबाइल उद्योगों में प्रयुक्त होने वाली प्रमुख वेल्डिंग है। क्वेश्चन नंबर 92। विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस इज ऑल्सो नॉन एज मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम धातु सक्रिय गैस वेल्डिंग है। आंसर ऑप्शन डी मेग वेल्डिंग। CO2 वेल्डिंग एक प्रकार की आर्क वेल्डिंग है जो मेग वेल्डिंग का विकसित रूप है। CO2 आर्क वेल्डिंग या मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड के रूप में तार की भरन मोटर द्वारा स्वतः ऑटोमेटिक भरन दी जाती है। खपती तार तथा कार्यखंड के बीच संपर्क के कारण आग बनती है और तार तथा कार्यखंड गलने लगते हैं। वायुमंडलीय गैसों से बचाने के लिए शील्डिंग गैस के रूप में CO2 गैस वेल्डिंग टॉर्च के नोजल से निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 93। CO2 आर्क वेल्डिंग एज कंपेयर टू शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग की तुलना में CO2 आर्क वेल्डिंग हाई एफिशिएंसी, उच्च दक्षता होती है, करेक्ट। लोअर वेल्डिंग कॉस्ट, कम वेल्डिंग लागत होती है, करेक्ट। बेटर इकोनॉमी, उच्च बचत होती है, करेक्ट। आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी करेक्ट है। एडवांटेज ऑफ CO2 आर्क वेल्डिंग। तार का व्यास कम होने के कारण तथा वेल्डिंग धारा घनत्व अधिक होने पर जमाव दर डिपोजिशन रेट अधिकतम होता है। अच्छी साख केंद्रण तथा गहरा पेंट्रेशन होता है। जमाव दक्षता, डिपोजिशन एफिशिएंसी उच्च तथा स्लेक का कम बनना, आर्क बनने की दर उच्च होने पर यह सस्ती तथा प्रक्रम को मितव्ययी बनाती है। हाइड्रोजन की मात्रा वेल्ड मेटल में कम होने के कारण यह क्रेक प्रतिरोधी तथा यांत्रिक गुणों में वृद्धि करती है। फ्लक्स की आवश्यकता नहीं होती है। वेल्डिंग स्पीड उच्च होती है। सभी धातुओं एल्यूमिनियम स्टेनलेस स्टील की भी वेल्डिंग की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 94। CO2 आर्क वेल्डिंग ऑल्सो नॉन एज CO2 आर्क वेल्डिंग कहते हैं। आंसर ऑप्शन सी मेग वेल्डिंग। CO2 आर्क वेल्डिंग को मेग वेल्डिंग कहते हैं या मेग वेल्डिंग का विकसित रूप है। जब मेग वेल्डिंग में एक्टिव गैस या शील्डेड गैस के रूप में CO2 प्रयोग करते हैं तो उसे मेग मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग कहते हैं। यह वेल्डिंग प्रमुखतः सभी प्रकार की स्टील के साथ प्रयोग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 95। इन मेक CO2 वेल्डिंग विच पैरामीटर गिव द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ऑफ वेल्ड अपीयरेंस ड्यूरिंग डीप ट्रांसफर और शॉर्ट सर्किटिंग वेल्डिंग। मेक CO2 वेल्डिंग में कौन सा प्रचाल उच्चतम नियंत्रण प्रदान करता है जब वेल्ड में डीप ट्रांसफर या लघु सर्किट घटित होती है।
आंसर ऑप्शन डी इंडक्टेंस पेरन। मेक CO2 वेल्डिंग में पेरन प्रचाल उच्चतम नियंत्रण प्रदान करता है जब वेल्ड में डीप ट्रांसफर या लघु सर्किट घटित होती है। क्वेश्चन नंबर 96, व्हाट इज मेन डिफरेंस बिटवीन मिग एंड मेग वेल्डिंग। मिग और मेग वेल्डिंग में मुख्य अंतर क्या है। आंसर ऑप्शन सी वन यूज्ड आर्गन एंड अदर यूज्ड CO2 शील्डिंग गैस। एक में आर्गन गैस तथा अन्य में CO2 परिरक्षित गैस प्रयुक्त होती है। मिग एंड मेक वेल्डिंग में कार्यखंड और लगातार चलने वाली मेटल इलेक्ट्रोड के मध्य आर्क बनाई जाती है। कार्यखंड की सतह तथा इलेक्ट्रोड दोनों को पिघलाकर एक समांग मिश्रण बनाया जाता है। इलेक्ट्रोड पर कोई फ्लक्स नहीं होता है। मिग वेल्डिंग में इनर्ट गैस के रूप में आर्गन या हीलियम या दोनों का मिश्रण प्रयोग किया जाता है, जबकि मेक वेल्डिंग में एक्टिव गैस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को प्रयोग करते हैं तथा जब प्रयोग करते हैं तो उसे मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग कहते हैं। मिग एंड मेक दोनों ही सेमी ऑटोमेटिक विधियां होती है। मिग एक इलेक्ट्रोड उपभोज वेल्डिंग है। एडवांटेज ऑफ मिग एंड मेक वेल्डिंग। लगातार वेल्डिंग होने के कारण मिग मेक वेल्डिंग टिग वेल्डिंग से अधिक तेज कार्य करती है, अधिक गहरे पेनिट्रेशन के जोड़ बना सकती है, पतले और मोटे दोनों प्रकार के जोड़ बनाए सकते हैं। अनुप्रयोग, इसका प्रयोग कार्बन स्टील, सिलिकॉन स्टील तथा लो अलॉय स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर इत्यादि में किया जाता है। एयरक्राफ्ट, ऑटोमोबाइल तथा प्रेशर वेल्डिंग और पानी के जहाज बनाने की इंडस्ट्रीज में सफलता प्रयोग प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 97, द आर्क इन एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग टेक्स प्लेस बिटवीन द परमाणु हाइड्रोजन वेल्डिंग में आर्क को किसके बीच रखा जाता है। आंसर ऑप्शन डी टू टंगस्टन इलेक्ट्रोड, दो टंगस्टन इलेक्ट्रोड के बीच में। परमाणु हाइड्रोजन वेल्डिंग एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग, इस विधि में फ्यूजन के लिए आवश्यक ऊष्मा दो टंगस्टन के इलेक्ट्रोडों के मध्य आर्क बनाकर पैदा की जाती है। कार्यखंड को ऊष्मा आर्क से तथा परमाणु हाइड्रोजन के टकराने से मिलती है। यह हाइड्रोजन गैस ही वेल्ड मेटल को सुरक्षा कवच प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 98, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फ्यूजन वेल्डिंग। निम्न में से कौन गलन वेल्डिंग का उदाहरण है। आंसर ऑप्शन ए एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग, परमाणु हाइड्रोजन वेल्डिंग। परमाणु हाइड्रोजन वेल्डिंग गलन वेल्डिंग प्रक्रम है जिसमें टंगस्टन के दो इलेक्ट्रोड के मध्य आर्क बनाकर मूल धातु गलाकर जोड़ प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, इन एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग द इलेक्ट्रोड इज मेड ऑफ, परमाणु हाइड्रोजन वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड बना होता है। आंसर ऑप्शन सी टंगस्टन का। परमाणु हाइड्रोजन वेल्डिंग में प्रयुक्त होने वाले इलेक्ट्रोड टंगस्टन धातु के बने होते तथा यह वेल्डिंग आर्क एवं फ्लेम दोनों के गुणों को अपने में समेटे है। आर्क दोनों टंगस्टन के इलेक्ट्रोड्स के मध्य बनता है और यह हाइड्रोजन को इस आर्क के ऊपर से गुजरने दिया जाता है। इससे हाइड्रोजन अपने परमाणुओं में विभक्त हो जाती है। इसके लिए आवश्यक ऊष्मा वह आर्क से लेती है, जैसे कि निम्न समीकरण में स्पष्ट है, H2=H+H। एक 1,700 कैलोरीज। क्वेश्चन नंबर 100, इन एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग हाइड्रोजन वर्क एज, परमाणु हाइड्रोजन वेल्डिंग में हाइड्रोजन कार्य करता है। आंसर ऑप्शन ए फ्यूल गैस करेक्ट, ऑप्शन बी शील्डिंग गैस करेक्ट, आंसर है ऑप्शन सी ए एंड बी। परमाणु हाइड्रोजन वेल्डिंग में उच्च तापमान पर हाइड्रोजन अपने परमाणुओं में विभक्त हो जाती है। इस प्रकार बनी परमाणु हाइड्रोजन अस्थिर अवस्था की होती है। जैसे ही परमाणु हाइड्रोजन आर्क के क्षेत्रफल से निकलकर कार्यखंड की अपेक्षाकृत ठंडी सतह से टकराती है और वापस हाइड्रोजन अणु में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार पहले शोषित हुई ऊष्मा बाहर निकलती है।
यह ऊष्मा और आर्क की ऊष्मा दोनों मिलकर फ्लेम का तापक्रम 3730 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है। यह हाइड्रोजन टॉर्च ऑक्सीस्ट्रीन टॉर्च की भांति कार्य करती तथा हाइड्रोजन गैस एक रक्षात्मक कवच का कार्य करती है, अतः शील्डिंग के लिए अलग से किसी फ्लक्स या गैस की आवश्यकता नहीं रहती है। फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।